Hello everyone, chapter number 5, data handling introduction. Now first one is organizing data. Usually data available to us is in an unorganized form called raw data. To draw meaningful inferences we need to organize the data systematically. Now यहाँ पे हमने for example 3 alphabets लिए है जिसको हमने unorganized form में लिखा हुआ है. यहाँ पे हम इसे organize करेंगे and यहाँ पे table में इसे show करेंगे. सो इस टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ना फर्स्ट कॉलम इज अल्फ़ाबेट, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो यहाँ पे आएगा अल्फ़ाबेट. देन यह इज़ अ टेलीमार्क एंड थर्ड वन इज अ फ्रीक्वेंसी. ना फर्स्ट यहाँ पे हमने 3 अल्फ़ाबेट्स लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स लिखे ए बी एन सी. नाउ काउंट करने हमने ए कि ए यहाँ पे कितनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो ये हम राइटिंग 6. एंड टेलीमार्क्स में हमें 6 कैसे लिखना है, 1, 2, 3, 4 देन 5 यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन होगा एंड देन 1, 6. देन बी यहाँ पे देखना है कितनी टाइम्स हो रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो यहाँ पे हमने लिखा है 5. सो 1, 2, 3 एंड 4 एंड देन स्लैंटिंग लाइन 5. देन सी 1, 2 एंड 3. सी कितनी टाइम्स आया है, सो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में हम लिखेंगे 3 एंड यहाँ पे 1, 2 एंड 3. सो दिस इज़ अवर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. नाउ फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे हमें डेफिनेशन गिवन है. सो ये डेफिनेशन है, फ्रिक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ आइटम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग डेटा. सो ग्रुपिंग डेटा मतलब क्या होता है कि अभी हमने जो देखा वहाँ पे हमें डेटा गिवन था 3 अल्फ़ाबेट्स का, दैट इज़ ए बी एन सी. तो हमने सिंपल यहाँ पे ए बी एन सी लिख दिया था. नाउ अगर हम यहाँ पे 1 to 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन हैं, तो 1 to 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स मतलब कि सबके अलग अलग मार्क्स होंगे, सबके सेम तो नहीं होते. तो यहाँ पे हमें 1 to 50 हम लिख नहीं सकते, तो हम कैसे यहाँ पे ग्रुप्स बना देते हैं. तो ग्रुप्स हम कैसे बनाएंगे, सपोज 0 to 10 के, 0 to 10 के बीच में आने वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे. देन यह इज़ अ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. सो नाउ सपोज कि 0 to 10 वाले स्टूडेंट्स है 6. ओके, सो हम यहाँ पे टैली मार्क्स में इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 6. देन 10 to 20 वाले स्टूडेंट्स है 5. सो 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो ऐसे हमें करके ये पूरा टेबल हमें बनाना है. तो इसे हम बोलते हैं ग्रुपिंग डेटा, जिसमें हम ग्रुप्स बना के टैली मार्क्स एंड फ्रिक्वेंसी सॉल्व करें. नाउ बार्स विथ अ डिफरेंस, लेट अस कंसिडर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 60 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट. हमने यहाँ पे एक ग्रुपिंग डेटा लिया है जिसमें हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल्स गिवन एंड फ्रीक्वेंसी के 0 to 10 वाले स्टूडेंट्स हैं, उसे हम यहाँ 0 to 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं, 2, क्योंकि हमें यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स का मार्क्स लिए हैं. ओके, सो 10 to 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10. 20 to 30 वाले 21, 30 to 40 वाले 19, 40 to 50 वाले 7 एंड 50 to 60 वाले 1 स्टूडेंट. यहाँ पे टोटल एंड यहाँ पे हमें 60. सो यहाँ पे हमने एक बार बनाया है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं हिस्टोग्राम. सो हिस्टोग्राम में क्या होता है, सी मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे है एंड यह इज़ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो मार्क्स यहाँ पे फर्स्ट है 0 to 10, जिसमें कितने स्टूडेंट्स थे, 2. सो 0 to 10 यहाँ पे हम लिखेंगे 10 एंड यहाँ पे हम बनाएंगे 2. देन 10 to 20 में है 10 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 10 के सामने आएगा. देन 20 to 30 स्टूडेंट्स है, वैसे कितने स्टूडेंट्स है, 20 to 30 मार्क्स वाले 21. देन 30 to 40 मार्क्स वाले 19 स्टूडेंट्स है. सो 21 हम कहाँ पे लिखेंगे, 20 and 22 के बीच में. देन 19 कहाँ पे होगा, 18 and 20 के बीच में. देन 40 to 50 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 7. 50 to 60 वाले 1. सो ये दिस इज़ द कॉल्ड इज अ हिस्टोग्राम. द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा इन दिस मैनर इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राम.